जीएमएम युवा नेता फरदीन इम्तियाज अहमद शनिवार को गांडे के बरमसिया टू पंचायत के चौरा गांव पहुंचकर दिव्यांग और गरीब मोहन राय के पक्के घर के लिए बुनियाद रखी। बता दें कि फरदीन अहमद ने 14 सितंबर को चौरा गांव का दौरा किया था, तब वह इस बेहद ही गरीब लाचार असहाय व्यक्ति की आपबीती से अवगत हुए थे। इस दौरान वहां के युवाओं ने उन्हें इस गरीब इंसान मोहन राय का घर की जर्जर स्थिति को दिखाया था। देखने के पश्चात युवा नेता फरदीन अहमद बहुत भावुक हो गए थे और वही मौके पर ही युवा नेता फरदीन अहमद ने वादा किया था कि वह 10 दिन के अंदर इसका समाधान निकालेंगे। उसी के मद्देनजर शनिवार को उन्होंने मोहन राय के नए पक्के घर का बुनियाद रखाई। फरदीन अहमद ने बताया कि ये सबाब का काम है, हम मोहन राय जी की हालत देखकर उसी समय वादा किया था कि किसी भी हालत में इनका घर बनवाएंगे। फरदीन अहमद ने कहा कि गरीब की मदद करना इंसानियत का काम है और इसमें वो हमेशा आगे रहेंगे और समय आने पर मोहन राय को झारखंड सरकार के अबुआ आवास योजना के जरिए भी मदद दिलाएंगे। मौके पर स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दिखी और उन सब ने फरदीन अहमद को दिल से धन्यवाद किया। मौके पर मोहम्मद हारून राशिद सहित कई स्थानीय लोग उपस्थित हुए। हम चौरा गांव आए हुए हैं जो बारामसिया टू पंचायत में पड़ता है। मुझे जो यहाँ के नौजवान हैं, आसपास मेरे सारे लोग खड़े हुए हैं, इन लोग ने मुझे बताया था, बहुत पहले एक वीडियो भेजी थी मुझे, मोहन राय करके एक नामक एक व्यक्ति हैं जिनका पीछे घर बन रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इन लोग मुसीबत में थे, इनका जो छत था निवारी का बना हुआ था, पानी चूता था जब इन लोग खाना बनाते थे, बहुत ही नहायती गरीब थे। तो लोगों ने मुझे बताया था कि इनके लिए आप कुछ समाधान निकालिए, तो मैंने पता किया था कि अभी तक इनका क्यों नहीं हो पाया है। तो मुझे पता चला कि जो आवास का जो पैसा है सेंटर नहीं दे रही है, और झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना करके लाया है जो बहुत जल्दी इसमें इसकी कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि इतने दिन ये क्या करेंगे, अभी ठंडा भी आने वाला है, बरसात भी हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने उस पे इनका घर बनवा देता हूँ, क्योंकि किसी गरीब की मदद करना पुण्य का काम है, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, जो भी गरीब है उसका हम लोग सबको आगे बढ़ के चढ़ के काम करना चाहिए। तो मैं आया और आज मैंने इनके घर का काम स्टार्ट करवाया है, और गांव वाले जो लोग हैं, मेरे जो युवा साथी हैं, इन लोग में बहुत खुशी है कि हाँ चलिए किसी गरीब का काम हो रहा है। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाए और भी सुंदर, जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग, यहाँ रेमंड्स होम, वेल्सपन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुंचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह।